त्रिवेंद्रम में सिर्फ 3 ओवरों के अंदर ही भारतीय टीम ने कर दिया मुकाबले को समाप्त। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, 20 ओवरों के मुकाबले को भारत ने सिर्फ 3 ओवरों में ही अपने पाले में कर लिया, जहां पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टीम इंडिया के 2 युवा तेज गेंदबाज दीपक चाहर और अर्शदीप सिंह के सामने बिल्कुल ही नतमस्तक दिखे। और इस दौरान टीम इंडिया के नए उभरते हुए सितारे अर्शदीप सिंह ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज करवा लिया है। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने अपनी घातक गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका की टीम को बिल्कुल ही नेस्तानाबूद करके रख दिया और अपने नाम एक विशेष उपलब्धि दर्ज करवा ली। तो आखिर अर्शदीप सिंह के नाम हुआ कौन सा बड़ा रिकॉर्ड, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शायद ही साउथ अफ्रीका ने अपने सपने में भी ये सोचा होगा। त्रिवेंद्रम में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद जो भी हुआ वो अपने आप में एक इतिहास बन गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम में कुछ बदलाव किए गए क्योंकि हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में उनके जगह पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया। वहीं जसप्रीत बुमराह हल्की निगल के कारण बाहर हो गए, ऐसे में उनकी जगह दीपक चाहर की वापसी हुई और इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार की जगह युवा अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और भारतीय कप्तान का ये फैसला पूरी तरीके से टीम के हित में रहा। अर्शदीप और दीपक चाहर की जोड़ी ने नई गेंद से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ के रख दी। इसकी शुरुआत पहले ओवर में ही दीपक चाहर ने की, जब ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने विपक्षी कप्तान तेंबा बवुमा के स्टंप बिखेर दिए। लेकिन असली कहानी तो दूसरे ओवर में अर्शदीप ने लिखी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आराम करने के बाद बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने अपनी वापसी पर पहले ही ओवर में कमाल कर दिखाया। इस होनहार गेंदबाज ने ओवर की दूसरी गेंद पर क्विंटन डेकॉक को बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि उस ओवर में मार्करम ने आते ही चौके के साथ खाता जरूर खोला, लेकिन ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर अर्शदीप ने खतरनाक राइली रूसो और डेविड मिलर को एक के बाद एक पवेलियन की राह दिखाकर साउथ अफ्रीका की पारी को नेस्तानाबूद करके रख दिया। अर्श ने अपनी वापसी पर पहले ओवर में ही 3 विकेट लेकर न केवल अफ्रीका की कमर तोड़ दी बल्कि अपने नाम एक नई उपलब्धि दर्ज कर ली। दरअसल अपने T20 करियर में इस गेंदबाज ने त्रिवेंद्रम में अब तक की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है और अपने T20 करियर की बेस्ट बॉलिंग फिगर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। दूसरी तरफ दीपक चाहर ने भी पावर प्ले में 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की पारी शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दी। केवल 14 रनों पर अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट गई और यहां से चाहर और अर्शदीप की जोड़ी ने उनके लिए वापसी की राह काफी मुश्किल कर दी। तो दोस्तों, आप अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।